नमस्कार। आप सब जानते हैं कि अयोध्या में राजा धीराज प्रभु श्रीराम विराज चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भी खत्म हो गया है, लेकिन आज भी लाखों देशवासियों, लाखों विदेशियों प्रभु श्रीराम का दर्शन करने के लिए आते हैं। सब सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि जब मूर्ति का पहला फोटो आया था, इसमें जो तस्वीर दिखाई गई थी, इसमें प्रभु श्री राम मुख पे तेज इतना नहीं था जितना तेज आज प्रभु श्री राम में दिखाई दे रहा है। खुद अरुण योगीराज भी कह रहे हैं, जो जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है, कि मैंने जब मूर्ति बनाई थी तो इतना तेज नहीं था। आज लाखों लोग यही कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम साक्षात अयोध्या में विराज चुके हैं। रही बात ये मूर्ति की, आपने देखा होगा कि मूर्ति में 200 अवतार दिखाए गए हैं। अब बहुत एक बार देखना कि प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनाई गई ऐसे नहीं बनाई गई जिसमें प्रभु श्री राम के 10 अवतार दिखाए गए हैं। हर अवतार में सब 10वां अवतार कल्कि, यहाँ तक दिखाया गया है कि इसमें सब दिखाया गया है कि पहले से लेके कितने अवतार प्रभु श्री राम ने लिए हैं। सभी ये तो बात हो गई मूर्ति की, अब बात करेंगे अयोध्या की। जो प्रभु श्री राम अयोध्या में विराज चुके हैं, तो अयोध्या कोई ऐसी वैसी नगरी नहीं है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कहलाती है। वहाँ हर साल लाखों लोग आ रहे हैं, अभी करोड़ों लोग आ सकते हैं ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो लगता है कि अयोध्या कहीं ना कहीं एक विकसित सिटी बन सकता है। वहाँ मेट्रो भी पीएम ने शुरू करवा दी है और फ्लाइट भी शुरू करवा दी है। पूरे विदेश से लोग यहाँ आ रहे हैं, तो एक इंडिया का बहुत बड़ा अयोध्या हब भी बन सकता है और बहुत स्मार्ट विकसित सिटी भी बन सकता है। अभी सारे देशवासी तो यही कह रहे हैं कि अयोध्या जाने के लिए हम उत्सुक हैं, हम एक बार नहीं बार बार अयोध्या जाएंगे, बार बार प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे।